पूरे देश में हो रहे पुजारी और संतों पर अत्याचार के संबंध में अखिल भारतीय संत समाज पुजारी समिति गरोट के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक ज्ञापन SDM कार्यालय पहुंचकर SDM को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि आज देश में संत पुजारियों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और बहुत सारी जगह संतों और पुजारियों की हत्या भी हो चुकी है। सारी जगह शासन संघरित देवस्थान की माफी भूमि पर दबंगों के कब्जे की वजह से या मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से कब्जा करना चाहते हैं, इस वजह से झगड़े हो रहे हैं और सरकारी मशीनरी सही समय पर अत्याचारों पर नियंत्रण करने का काम नहीं कर रही, तो यही स्थिति बन रही है। बहुत सारे जगह भूमि के प्रकरण चल रहे हैं, निराकरण होने के बाद भी सरकारी अमला निराकरण फैसले का पालन नहीं करवा पाते हैं। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ देवेंद्र खन्ना की रिपोर्ट। एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया है, पेट्रोल डाल के उसको जिंदा जला दिया, और भी बहुत सारे पुजारियों के साथ ऐसा ही बर्ताव हो रहा है। इसलिए आज हम अनुविभाग के अधिकारी को हमने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया कि पुजारियों के लिए कोई कानून बनाए विशेष जिससे पुजारियों की सुरक्षा हो सके। ज्ञापन के माध्यम से आपने क्या मांग की आज? अभी वर्तमान में दबंग लोगों द्वारा और भूमाफियाओं द्वारा देवस्थानों की जमीनों पर उनकी नज़र है और जिसके कारण पुजारियों के ऊपर अत्याचार हो और पुजारियों की देखने में आ रहा है कि पुजारियों की हत्या भी हो रही है अभी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।